कोई नहीं सही लाइक चलो ये वाली से एक बंद कर दो ओके द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी तो अगर हम अगर पहले डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी के घाटी की सभ्यता रखते हैं तो कभी कभी बच्चे कहते थे सर को जाकर के जो सर पढ़ाते पढ़ाते सर क्या करते हिस्ट्री में चले जाते सही बोला ये तो बच्चे सही बोल रहे थे नहीं लेकिन जब ये आपकी काम की नहीं मतलब इतना ड्रॉल पर ये यूपीएससी वाले के लिए जो भारतीय पॉलिटी का बैकग्राउंड तो आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक डेवलपमेंट देखोगे और खास तौर से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट देख पढ़ते हो संसद पढ़ते हो शिमला भी वैदिक सभ्यता में पढ़ोगे वहां भी दो सभा होती थी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वैदिक सभ्यता में भी दो सभा होती थी कितनी सभा दो सभा एक को सभा और दूसरे को समिति कहते थे क्या कहते थे समिति तो जो अभी आप लोग पढ़ते हो लोकसभा और राज्यसभा तो राज्यसभा जो था उस समय में समिति को आधुनिक राज्यसभा के रूप में जान पढ़ोगे और सभा को आधुनिक लोकसभा द बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ा है जहां से ओके लेकिन अभी चलिए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे अच्छा इंडियन पार्लियामेंट में हमने बताया तीन अंग कितने अंग होते हैं तीन अंग कौन कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एलएस और पीओआई और आरएस कितने आर्टिकल्स में है सर 81 लोकसभा और पीओआर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश में एक प्रेसिडेंट होगा ये आर्टिकल कितना में है 52 ये सब पढ़ाया हो जी हाँ जी उसके बाद मैंने पढ़ाया इंडियन पार्लियामेंट में ही मैंने पढ़ाया स्टेट असेंबली क्या पढ़ाया था स्टेट असेंबली ये कितने आर्टिकल्स के देश के अंदर राज्य राज्य होगा और राज्य में एक विधानमंडल होगा राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तीन पद या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तीन अंग कौन कौन गवर्नर विधान परिषद विधानसभा पहले अगर हम विधानसभा वीएस दूसरा गवर्नर वीपी विधान परिषद गवर्नर अब स्टेट असेंबली में कितने आर्टिकल्स के तहत याद रखना है 169 आर्टिकल्स वीएस 171 और वीपी आर्टिकल्स 171 ओके और इंडियन पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट होगा तो आर्टिकल्स 69 और 79 79 देश में एक पार्लियामेंट ओके